Hi, I am Mary Kom. You're watching Expo India. बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पूर्व मंत्री अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू को पुनः बीएसपी में एक मुस्लिम कद्दावर नेता के रूप में ज्वाइन करा दिया। इस अवसर पर फूल बाबू ने प्रेस वार्ता में नसीमुद्दीन के विरुद्ध कुछ तथ्यों को उजागर किया। फूल बाबू ने मायावती को उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज की तरफ से मुबारकबाद देते हुए कहा कि नसीमुद्दीन ने जो बोया था वैसा ही काटा। उन्होंने कहा कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वो उसी में गिर पड़ता है। उनके निष्कासन से मुस्लिम समाज में खुशी की लहर है और आने वाले चुनाव में बीएसपी को नसीमुद्दीन के निकाले जाने का फायदा भी मिलेगा। वहीं खुद को निकाले जाने पर सफाई देते हुए फूल बाबू ने कहा कि नसीमुद्दीन ने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाकर और बहन जी को गुमराह करके मुझे पार्टी से निकलवाया था। फूल बाबू ने कहा क्योंकि नसीमुद्दीन जानते थे कि वो नसीमुद्दीन को मनमानी नहीं करने देंगे। इतना ही नहीं, फूल बाबू ने यह भी कह दिया कि नसीमुद्दीन के लिए मैं सबसे बड़ा रोड़ा था। फूल बाबू के आरोप लगाने का सिलसिला यही नहीं थमा। उन्होंने नसीमुद्दीन पर पलटवार करते हुए ये भी कहा कि जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो किसी और का भला क्या होगा। मुस्लिम समाज में आज एक खुशी की लहर लोगों में दौड़ी है और बहन जी से बहुत खुश है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, क्योंकि नसीमुद्दीन जी के रहते कोई भी कद्दावर मुस्लिम लीडर बहन जी तक नहीं पहुंच सका। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।